गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं बिजली के बोर्ड पे 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ पहले भी। लगभग 12 से 15 लाख के लोगों ने उसे देखा भी है और बहुत दोस्त उससे सेटिस्फाइड भी है और कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन भी है। तो मैं आज उसी कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। आज मैं 2-3 बोर्ड असेंबल करना था मुझे, तो मैं एक बोर्ड को असेंबल करके आपको दिखा दूंगा और मैं बॉल का कनेक्शन करके भी दिखा दूंगा और फाइनली जब वायरिंग कंप्लीट होगा तो उसका भी मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको दे दूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने जरूरत के हिसाब से स्विच, 5-पिन सॉकेट, इंडिकेटर और आप चाहें तो फ्यूज लगा भी सकते हैं या फिर मेन बोर्ड में या इस बोर्ड से पहले एक MCB चेंजर दे सकते हैं। ठीक है, और जरूरत के हिसाब से आप होल्डर भी ले सकते हैं। मैं आपको पंखा से कनेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा, पर यहाँ होल्डर लगा के मैं दिखा दूंगा और बॉल लगा के आप वहाँ पे फैन या कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं। ठीक है, और कुछ ब्लैंक प्लेट ले सकते हैं आप। इस प्लेट को जो भी वैकेंट जगह होगा उसको भरने के लिए आप ब्लैंक प्लेट का यूज करें। अब आप अपनी सुविधा अनुसार इसको इसमें असेंबल कर ले। और ये मॉड्यूलर टाइप का है, ये पुराना टाइप का नहीं। मॉड्यूलर टाइप में क्या होगा, आपको इसको कसने की जरूरत नहीं, बस इसमें लॉक है, इसको अच्छे से आप फंसाते रहिए। ठीक है, तो मैं सब करके अभी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी तरह लॉक को आपको बैठा लेना है। ठीक है, उसी तरह मैं सारे को करके दिखा देता हूँ। और आप स्विच में आप एक ध्यान देंगे, एक ऑन पॉइंट बना होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ऑन पॉइंट दिख रहा है, ये हमेशा नीचे तरफ रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा नीचे, वरना स्विच उल्टा काम करेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्त आप देख पा रहे हैं लग चुका है। अब ये इतना जगह खाली रह गया, इसको फिल करने के लिए ब्लैंक प्लेट आता है, सारे को आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और स्विच का जरूरत है, और भी पॉइंट देना है, तो आप उतना स्विच डाल दीजिए, अगर बचता है तब आप इसका यूज। अच्छे से बोर्ड असेंबल करने के बाद अब आप कनेक्शन समझिए। मेन टर्म जो है कनेक्शन का ही होता है। एक MCB चेंजर मैं लगाने के बाद कर रहा था, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका पॉइंट समझना है, कौन इनपुट है और कौन, ये दो फेज के लिए बना होता है। तो ये सब है, ये इनपुट पॉइंट है। ठीक है, ये इन के लिए है, इन के लिए है, और ये पॉइंट जो है ये आउटपुट के लिए, जो आपके घर में जाएगा उसके लिए। तो बाहर से जो भी तार आएगा उसको आप यहां दे दीजिए। ठीक है, इनपुट हो गया और ये जो निकल रहा है ये आउटपुट है, ये आपके घर में जाएगा, मतलब कहने का मतलब घर यानी इस बोर्ड में सप्लाई दिया जाएगा। तो ये हो गया फेज और ये हो गया न्यूट्रल, ब्लैक न्यूट्रल हो गया और जेड फेज हो गया। तीन होल्डर मैंने कनेक्ट कर लिया है और तीनों में एक एक बल्ब दे दिया है। ठीक है, अब आपका जो इनपुट आएगा यानी ये फेज, बहुत लोग इसको पॉजिटिव और गर्म वायर, ठीक है, और इसको न्यूट्रल या निगेटिव बोलते हैं। तो फेज वाले वायर को आपको स्विच के सभी पॉइंट में देना है। ठीक है, किसी एक तार की मदद से आप सभी स्विच के किसी एक टर्म को, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, किसी वाले को तो आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, और जो फेज आ रहा है, जो देखिए MCB से जो आ रहा है आपको इसी में दे देना है, कहीं भी आप दे दीजिए, इसी एक में दे दीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे दे दिया गया तो सभी जगह पहुंच गया। यहाँ पे अगर आप फेज देंगे तो इस स्विच में, इस स्विच में, इस स्विच में, सभी में पहुंच गया, क्योंकि एक तार से सभी को कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो उसके बाद अब सभी को अच्छे से आप कस ले, और जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर किसी एक लेग को, किसी एक लेग को, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, किसी एक लेग को आप किसी पॉइंट में, इस सब में से किसी में दे सकते, क्योंकि सभी जगह एक ही सप्लाई रन कर रही है, तो कहीं भी आप इसको दे दें। इसके बाद सभी बल्ब के एक एक लेग को, ठीक है, सभी के एक एक लेग को आप क्या करें, सभी को अलग अलग स्विच से, अगर तीनों को एक स्विच से दे देंगे तो तीनों बल्ब एक से कंट्रोल होगा। अब आपको क्या करना है, सभी अलग अलग स्विच से तीनों को कनेक्ट कर देना है। जिस स्विच से, जिस होल्डर का आप वायर को कनेक्ट करेंगे वो स्विच उसी का हो जाएगा, उसी से वो कंट्रोल होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तीन स्विच से तीन होल्डर हो गया, ये बच रहा है, इसको 5-पिन सॉकेट से देना है। ठीक है, और 5-पिन का सॉकेट
का कनेक्शन करते समय आप एक बात याद रखें, इंटरनेशनल सिस्टम कुछ होता है उसके अनुसार आपको फेज हमेशा राइट साइड देना होता है, ठीक है। फेज हमेशा राइट साइड मतलब पलटने वाल इधर, ठीक है, यानी यहां पे देना है, ठीक है। सभी वायर को अच्छे से कनेक्ट करने के बाद फेज का सारा कनेक्शन कर दिया गया है, अब रह गया निगेटिव। अब देखिए सारे बल्ब का निगेटिव वायर कोई भी एक आप सभी स्विच से दे दिए, आप सभी का तीनों का आप एक में जोड़ लीजिए, तीनों को एक में कनेक्ट, तीनों बल्ब का और साथ एक फाइव पिन सॉकेट का, फाइव पिन सॉकेट का भी निगेटिव आपको एक ही में जोड़ना है। सारे का निगेटिव, सारे का न्यूट्रल जो है सबको कॉमन, इसको कॉमन वायर भी कहते हैं, सारे का कॉमन एक में कर देना है, ठीक है। सारे का कॉमन आप एक में कर दीजिए, यानी चार वो पॉइंट का कॉमन एक में हो जाने के बाद जो एमसीबी से सप्लाई आ रही है न्यूट्रल, एमसीबी से न्यूट्रल जो आ रहा है उसको भी इसी न्यूट्रल में जोड़ देना है आपको, और साथ ही साथ इंडिकेटर का भी एक लेग खाली है, ठीक है। इस इंडिकेटर के लेग को भी इसी में आपको ज्वाइंट कर देना है। अब सारे को आप अच्छे से ट्विस्ट कर दें, उसके बाद इसको टेपिंग कर दें। दोस्तों एक बार मैं फिर से वायरिंग बता देता हूँ, फेज को सभी स्विच के सभी नीचे वाले पॉइंट में किसी एक पॉइंट में आप दे दीजिए, लेकिन सभी के, और इंडिकेटर को उसी से दे देना है, इसी फेज में से कहीं से भी, और जो एमसीबी से आ रहा है फेज वायर वो भी आप इसी में कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद तीनों बल्ब का एक एक लेग, तीन बल्ब का तीनों स्विच में जोड़ दीजिए अलग अलग, और एक फाइव पिन सॉकेट का ले जाके राइट साइड में, हमेशा फेज राइट साइड में होता है तो राइट साइड में जोड़ दीजिए, चारों स्विच का काम हो गया। उसके बाद जो निगेटिव का पॉइंट है, तो सारे का निगेटिव, फाइव पिन सॉकेट का निगेटिव, तीनों बल्ब का निगेटिव, इंडिकेटर का निगेटिव, तीनों को एक में कर देना है, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट हो चुका है, मैं आप टेस्ट करके दिखा, देखिए यहाँ पे देखिए एमसीबी चेंजर जो है जैसे ऑन करते हैं, ऑन करते ही आपको यहाँ पे इंडिकेटर जल गया। अब देखिए ये पहला बॉल का है, दूसरा बॉल का है, तीसरा बॉल का है, ठीक है, अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, और ये फाइव पिन सॉकेट का है, ठीक है। फाइव पिन सॉकेट में भी आप कुछ लगा के चेक कर सकते हैं। चार्जर को कनेक्ट कर दिया गया है, अब स्विच ऑन करते ही देख पा रहे हैं आप चार्ज होना शुरू हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जब भी आप कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करें पूरे सुरक्षा से करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।